ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड किस तरह से यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को एक्स लाइन कमांड भी कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड ड्रॉ मेनू का कमांड है। अगर आपको उसको शॉर्टकट की से यूज़ करना है तो उसके लिए कमांड है एक्सेल, और आपको स्क्रीन से यूज़ करना है तो उसका सिंबल इस तरह से है। तो देखिए दोस्तों बीच में पॉइंट है और दोनों तरफ एरो है, तो कमांड भी इस तरह से ही है। और कमांड में पांच तरह से यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बी सेट, ऑफसेट। तो देखते हैं कमांड किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन रेफरेंस लाइन की तरह काम करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस लाइन से आपको एलिवेशन वगैरह ड्रॉ करना है या सेक्शन ड्रॉ करना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड के लिए हम इंटर करेंगे एक्स एल इंटर। उसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट पिक करना है और कर्सर का पोजीशन ऊपर की तरफ, अगर आपको लाइन चाहिए तो ऊपर की तरफ देना है और इंटर करना है। तो इस तरह से आपका लाइन आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन दे सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट से लाइन चाहिए तो ये पॉइंट पे क्लिक कीजिए और कर्सर का पोजीशन ऊपर की तरफ रखिए और इंटर कीजिए। ऊपर की तरफ रखिए और क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन आएगा आपका। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस तरह से है। तो हम कमांड लेंगे एक्स एल इंटर। उसके बाद आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए या वर्टिकल लाइन चाहिए, तो अगर आपको और हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो उसके लिए एच इंटर करना होगा। तो आपका लाइन का पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर इस तरह से आप जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे वो लाइन रख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लाइन का पोजीशन वर्टिकल चाहिए तो आपको कमांड में टाइप करना होगा एक्स एल इंटर, उसके बाद वी फॉर वर्टिकल इंटर। फिर आपको जहाँ लाइन चाहिए उस पॉइंट पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। ये पॉइंट चाहिए आपको, कॉलम के ये चाहिए पॉइंट, तो इस तरह से आप कर सकते और एलिवेशन बना सकते। उसी तरह ये दो पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में एंगल किस तरह है। अगर आपको कोई भी लाइन एंगल में चाहिए तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल कमांड यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुझे ये पॉइंट से 30 डिग्री पे लाइन चाहिए तो उसके लिए इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं एक्स एल इंटर, उसके बाद एंगल ए फोर एंगल इंटर। उसके बाद आपको डिग्री देनी होगी, एंगल की डिग्री 30 डिग्री इंटर। तो ये देखिए इस तरह से आपकी 30 डिग्री पे लाइन आ जाएंगी इस तरह से। तो दोस्तों देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में बाइसेक्ट और ऑफसेट कमांड किस तरह से यूज होता है। तो बाइसेक्ट कमांड रेफरेंस लाइन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि किसी लाइन पे रेफरेंस लाइन निकालनी है तो बाइसेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमें कमांड लेना होगा एक्सेल इंटर, उसके बाद बाइसेक्ट के लिए बी इंटर करना होगा, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इसी को देना होगा। ये देखिए तो इस तरह से उस रेफरेंस लाइन पे आप कंस्ट्रक्शन लाइन मार सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ऑफसेट किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए मैं कमांड लूँगा एक्स एल इंटर, उसके बाद मैं कमांड लूँगा ऑफसेट ओ फोर ऑफसेट इंटर। तो जैसे कि मुझे 1500 पे ऑफसेट करना है कंस्ट्रक्शन लाइन, तो उसके लिए मुझे 1500 टाइप करना होगा 1500 इंटर। उसके बाद ए लाइन से मुझे 1500 पे ऑफसेट चाहिए तो इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस तरफ क्लिक करूँगा। तो देखिए इस तरफ मेरा 1500 पे ऑफसेट हो गए, कंस्ट्रक्शन लाइन आ गया।
उसी तरह इसी लाइन को सिलेक्ट करके मैं राइट की तरफ क्लिक करता हूँ तो मेरा लाइन राइट की तरफ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन में ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड का इस्तेमाल करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे आगे के वीडियो देखना ना भूलिए। शुक्रिया।